क्या नाम आपका? अदनान। अदनान सर, हिंदुस्तान की बात करने जा रही हूँ। 75 साल हो गए, हमेशा मुझसे लोग सवाल करते हैं कि वाई इंडिया, हिंदुस्तान ही क्यों? क्योंकि 75 ईयर्स पहले हम एक जगह से दो कंट्री सेपरेट हुए थे, आज वो लोग दुनिया को कम्पीट करने जा रहे हैं और हम लोग इतने क्राइसिस के अंदर हैं कि हमारे यहाँ रोटी कपड़ा मकान की जंग लगी हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? हिंदुस्तान जो है फोर्थ ये आपदा परवीन को दे। अगला नाम जी, अगला नाम। बहुत मुश्किल हो रही है, यकीन माने दुख भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतना करूंगा। और वादा करता हूँ कि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था शायद 10 लोगों को, आज पूरे मोहल्ले को 100 लोगों को दे रहा हूँ, आने वाले टाइम में 1000 घरों को दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और ये मैं नहीं, ये एक वसीला है, एक सिस्टम है। हेलो दोस्तों, भारत बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है और ये दुनिया भर में एक चर्चे का मुद्दा बनता जा रहा है। भारत की कामयाबी देखकर कई देशों को हमेशा दिक्कत हुई है, वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे कि भारत दिन प्रतिदिन एक सुपर पावर देश बनता जा रहा है और इसे कोई रोक नहीं सकता। कम से कम एक ऐसा देश तो बिल्कुल नहीं जो खुद बर्बादी के कगार पे खड़ा है। और जब बात हम एक बर्बादी पे खड़े हुए देश की करते हैं तो वो पाकिस्तान के अलावा और कौन हो सकता है। भारत के इसी कामयाबी पर दुनिया भर में डेली कई रिपोर्ट और कई न्यूज पब्लिश की जाती है और आज हम एक ऐसे ही रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जिसके बारे में दुनिया का हर देश बात कर रहा है और जहां ये बताया जा रहा है कि इस साल रिसेशन का असर भारत पे बिल्कुल नहीं आएगा। और हम ये दिखाएंगे कि इसी रिसेशन से जूझ रहे पाकिस्तान के लोग क्या राय रख रहे हैं। मोस्ट पावरफुल कंट्री कंसीडर हुआ है पूरे एशिया में और 6वें नंबर पे आया है पूरी दुनिया में, क्या राय रखते हैं हम इस बारे में? ये देखें कि एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनके पास रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट हो जाता है और एक एटॉमिक पावर बनाने के लिए आपके पास एक अच्छा हैंडसम रेवेन्यू होना चाहिए। तो इंडिया ने अपना रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट किया हॉलीवुड के थ्रू और फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू। उनके पास, हमारे पास तो अभी एक पोर्ट हमने स्टार्ट किया ये वाला सिंध वाला, उनके पास तो काफ़ी सारे उन्होंने रेवेन्यू के जनरेशन के वो हैं बड़े उनके पास। तो वो लोग, उनके पास एक तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था जिस वजह से उन्होंने अपने एटॉमिक पावर बनने की उन्होंने कहा कि मार्केट में हमें जरूरत है। पावरफुल होने के पीछे सिर्फ एक एटॉमिक पावर रीजन नहीं है, पावरफुल होने के पीछे और भी बहुत सी वजूहत है। उनकी आर्मी इस वक्त जो है ना, हमारी आर्मी टॉप रैंकिंग में होती थी मगर अब उनकी हमें कंपीट कर गई है, उनकी आर्मी बहुत अच्छी है। फॉरेन रिलेशन भी ज्यादा है ना उनकी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें अब हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है, हमारे यहाँ लोग कौन आर्मी में जाना चाहते हैं, हर कोई ये अगर अगर पॉपुलेशन कम है ना तो हमसे तो वो भी नहीं संभाली जा रही। कम पॉपुलेशन में भी हम कर्जे में डूबे हैं तो वो तो डूबे हुए हैं। मैं आपको बताऊं ना कि अभी एक रिसेंटली एक फैसलाबाद के बंदे ने आइडिया दिया है कि हम कर्जा अपना उतार सकते हैं तकरीबन 9 मंथ में, 3-3 मंथ के पीरियड में। उसने कहा कि यार आप 17 ग्रेड के ऑफिसर से कुछ हैंडसम अमाउंट लें, ठीक है, उसके बाद आप जितने भी MPAs हैं कौमी असेंबली के इनसे आप एक हैंडसम अमाउंट लें 5-5 करोड़ जितनी, और जितने बाकी और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं लो लेवल स्केल के उनसे 2-2000 लें। ऐसे करके उसने एक रेवेन्यू बताया कि भाई आप इतना इनसे 3 मंथ की इनकी सैलरी में से काट के आप एक अमाउंट अपनी मतलब IMF को दे सकते हो जिससे 9 मंथ में आप कर्जा उतार दोगे। उसने कहा एक आइडिया दिया सर, आपको पता है लेकिन हम ये लोग, हमारे सियासतदान जो है ना, हमारे पॉलिटिशियन ये सब कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि उनका घर बार चल रहा है, क्यों करेगा कोई ऐसा ही है। दूसरी जानिब अगर बात करूँ हिंदुस्तान की तो आज वो लोग आर्मी, इकोनॉमी, GDP, फॉरेन रिलेशंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कोई भी चीज हो तो उसमें वो लोग बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहे हैं और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और उसके अलावा पावरफुल कंट्री, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, इन सारी चीजों में अगर वो लोग हाईएस्ट रैंक कर रहे हैं तो कोई तो सॉलिड रीजंस होंगी। क्या वजह है, कौन से ऐसा सॉलिड ट्रक है जिसपे इंडिया चल रहा है, आप बताएं क्या हो सकता है? मुझे तो इतना मैंने आपको बताया कि यार एक तो अच्छा, मैं आपको हिंट दे सकती हूँ। अब इसके पीछे एक तो होता है यूनाइटेड होकर काम करना, एक वजह हो सकती है किसी भी मुल्क की तरक्की की, और सबसे बड़ी उससे भी ज्यादा होती है स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क से भी ज्यादा स्मार्ट वर्क, ब्रेन गेम। पाकिस्तानी आपको नहीं लगता थोड़ी जज्बाती कौम है? जज्बाती तो है, अभी रिसेंटली मेरे दो दोस्त आए सऊदीया से तो वो कह रहे यार हमने एक चीज नोट किया है पाकिस्तानी लोगों में जज्बाती बहुत है, मतलब पेशेंस नहीं है इनके अंदर, आराम से आप यार आप देख लो चीज को, समझ लो इजीली, फिर उसके ऊपर वर्क करो, नहीं आप जज्बात में। वो एक मंडो का कुछ था कि अपने पाकिस्तानियों के बारे में कि उसको उनको ऐसा बना दो कि उनको उनकी मौत भी शहादत लगने लग जाए, कोई बंदा अगर ऐसे भी मारा जाए तो उन्हें शहादत लगने लग जाए। सर यही होता है, यहाँ कोई भी मरता है तो उनको इस्लाम के नाम पे, वैसे मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे आ गया हूँ, इस्लाम के नाम पे ना हमसे बहुत सारी ऐसी चीजें करवा ली जाती हैं कि हम समझते हैं कि वाकई ठीक कर रहे हैं, हालांकि वो होती नहीं है ठीक।
अब मैं आपको इंडिया का बताऊं, अब ये भी है कि आप कह रही है ना कि वो कैसे इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री, मतलब इतना एटॉमिक पावर में चला गया ऊपर, उसको स्पॉन्सर भी कर रहे हैं ना, यूएस उसे स्पॉन्स कर रहा है, काफी सारे मुल्कों ने उसे स्पॉन्स किया है, स्पॉन्सरशिप के बाद उनको चीजें प्रोवाइड की गई हैं जिसकी वजह से वो हुआ है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई मिशन मजनू, उसके अंदर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में एटॉमिक जब पावर बनने की उसने वो की, जब उन्होंने अब्दुल कदीर साहब को बुलाया और फिर ऐसे ऐसे उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो ये सारी चीजें ना एक वो स्टेप थी कि भाई अब इंडिया अगर एटॉमिक पावर बन गया, जैसे न्यूज वो पाकिस्तान में ही उन दिनों में, तो एक यहाँ पे तो बड़ा वो हो गया कि लोगों ने कहा कि भाई ये एटॉमिक पावर कैसे बन गया, इनको डर पैदा हो गया, तो इन्होंने फिर अपना एक मिशन स्टार्ट किया कि भाई हम अब्दुल कदीर साहब के साथ मिलके एक एटॉमिक पावर हम भी बनते हैं, तो इन्होंने ये किया, ये काफी टाइम लगा इन्हें बनने में, लेकिन खैर वो उन्होंने लेकिन आपको आपने किया। आपने अब्दुल कदीर साहब की बात की, आपको नहीं लगता यहाँ पे टैलेंट बिक तो जाता है, कदर नहीं की जाती? बिल्कुल बिक जाता है, कदर नहीं की जाती, क्योंकि हर किसी को पैसों की नीड है, देख लें आप वो तो हर मुल्क में है, लेकिन उसके बाद भी लोग पेट्रियोटिज्म दिखाते हैं, हर किसी को ना अपने। सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। जैसा कि हमने वादा किया था मिशन पीस के नाम से लाहौर में, सिंध में, कश्मीर में हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, अब हम यहाँ पे एक इलाके में आए हैं जहाँ पर बहुत सी डिजर्विंग खवातीन हैं, इनको हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये एक दो तीन चार नहीं बल्कि हमने इस बार तकरीबन 100 से ज्यादा घरों को राशन देंगे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी बगैर टाइम वेस्ट किए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया जाएगा, और बगैर टाइम वेस्ट किए ये राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें आटा है, चीनी और चीनी है, और चने वगैरह, दालें हैं, और दूसरे जो है वो चीजें हैं। और हाँ, एक चीज क्लियर कर दूं आप लोगों को भी कि ये जो आटा है ये वो मिल वाला आटा नहीं है, ये देसी गंदम का हमने खुद बनवाया है, वो आपके लिए लेके आए हैं, जो कि एक बड़ी बात है, हमने अपने घर से ये जो सा मतलब गंदम थी उसका आटा बनवाया। अब बगैर टाइम वेस्ट किए जो सा हमारी टीम है वो इसका नाम लेते हैं और इसको शुरू करते हैं जी। अल्लाह रखी। ये ले जी, ये आपके लिए हम छोटा सा गिफ्ट है, ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप चले ये भी ले जे चले। अच्छा एक चीज मेरी सुन ले जी, मेरी एक मिनट, जो अफरा तफरी होगी अगर कोई इस तरीके से होगा हम नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे, मेहरबानी करें लाइन में आए, जो आंटी ये नाम लेती हैं उनके थ्रू ही आए। अगला नाम जी मुसरत बीबी, मुसरत ये लें जी, ये कैसी हैं आप, ठीक है? सुनती नहीं, बोलती नहीं है। चले फिर तो अच्छी बात है, हमने डिजर्विंग को इसका मतलब है दे रहे हैं बाजी, प्लीज जिनका नाम लिखा है वो। अगला नाम ताहरा बाजी, ठीक है। अगला नरगस, मुसरत नरगस, ऐसे नहीं बाजी, नरगस ये ले, मुसरत नरगस, आटा भी ले जे, और ये ले। अच्छा एक मिनट, अच्छा यहाँ पे मेरे से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि खवातीन हैं, और आप ये देख सकते हैं कि कितना इस तरीके से आटे के लिए, थोड़े से आटे के लिए इस तरीके से लाइन में लगना पड़ता है। मैं गवर्नमेंट को, अदारों को ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं इंडिविजुअली अपने तौर पे ये कर सकता हूँ, अदारे क्यों नहीं कर सकते? यहाँ के जो सियासतदान हैं, अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ, वो सियासतदान MP MLA क्यों नहीं कर सकते? और मैं उनको एक सॉफ्ट मैसेज देता हूँ कि आप अगर ये नहीं करोगे तो फिर हम सियासत में आएंगे तो आपके सारे पोल खोल देंगे, इसलिए रिक्वेस्ट है कि इनकी हेल्प कीजिए। आए जी, नेक्स्ट आए, नेक्स्ट रजिया बीबी, ओके रजिया बीबी है, चले रजिया बीबी आप आए, ऐसे आप नहीं ऐसे लाइन में आए, लाइन में अभी बड़ा राशन है, मैं मजीद लेके आऊंगा, परेशान ना हो। आज नेक्स्ट नाम शगुफ्ता, आज आ जाए, सबका नाम आएगा। बाजी आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लेके आए हैं, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, ये आप ये पकड़े, इसके अंदर ये ले। नाइला कौन है? नाइला अशरफ। अच्छा अगला नाम बोले, अगला रहीला को सर क्या नाम है? नाइला अशरफ दिखाएं किधर, नाइला अशरफ। सबके लिए एक ही असूल होना चाहिए, ये नहीं कि वो अमीर है तो इसको छोड़ दें, गरीब है तो गरीब बेचारा पिसता जा रहा है, अमीर बेचारा तरक्की करता जा रहा है, इसी तरह ही है बस।
इन फैक्टर्स पे काम करके हम आने वाले टाइम में थोड़ी सी चीजें बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप लोग से बात करके। चलते हैं अगले पर, देखते हैं किस बारे में क्या है। जी पहले तो हमारी पॉलिटिक्स है उसकी मेन वजह, कि पॉलिटिक्स ही नहीं ठीक होती, पॉलिटिक्स के क्राइसिस ही नहीं खत्म होते कि हम तरक्की करें। दूसरी वजह ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, ठीक है, और बाकी वजह और भी बहुत सी वजह है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे और बहुत सी वजहों में ये भी आया था कि हमारा पूरा ही गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सारा करप्ट है, ठीक है, पुलिस से लेके कैमरा मैन तक करप्ट हैं, जो सीधी बात है। मीडिया में देख लें आप, एयर वाई न्यूज, ये आप मेरे कैमरामैन को तो नहीं कह रहे नहीं, मतलब ये तो वैसे अभी बने भी नहीं है पूरे लेकिन वैसे जो कैमरामैन ओरिजिनल हैं, रियल हैं, वो सारे करप्ट हैं, जो मुझे ऐसा लगता है। और इवन कि मैं खुद बहुत बड़ा करप्ट हूँ। क्यों हमारे माशरे में यही हालात पैदा हुए हैं, यहाँ पे चलता ही पैसे के जोर पे है सब कुछ। इवन कि आप भी, मतलब आप तो नहीं खैर, बाकी सारे जितने मैं, बंदा पैसे के लिए काम करता है और पैसे के लिए वो कुछ भी कर देता है। सर आज हमारी इकोनॉमी का इतना डाउनफॉल चल रहा है, इतने क्राइसिस में घिरे हुए हम लोग, क्या रीजंस आपको लगता है उसके बैकग्राउंड में? एक तो हो गई करप्शन, हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। अच्छा मैं बताती हूँ, हमारी मौशियत जो है ना वो बहुत ज्यादा तबाहो बर्बाद हो गई है, उसके पीछे करप्शन के अलावा क्या वजूहत है? ये तो गवर्नमेंट का रोल तो है ही है, क्या हमारी आवाम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है या नहीं? नहीं, सारी आवाम जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूँ, सब जिम्मेदार है। हम खुद नहीं ठीक, हम गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? और जैसी आवाम होती है उसमें वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। अगर बात करूं हिंदुस्तान की, तो 75 सालों में, कुछ साल पहले की बात है कि वो भी हमारे साथ अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में से एक था, मगर आज वो लोग दुनिया का मुकाबला करने जा रहे हैं। मुझे बताएं क्या वजह, उनकी तरक्की की क्या वजूहत आपको लगती है? मैं इंडिया रहता नहीं, वरना मैं जरूर बताता, लाइक पाकिस्तान का कुछ भी पूछ लें। लेकिन पढ़ते सुनते तो होंगे ना, अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होता होगा तो सबसे अगली सीट पे आप ही बैठ के देखते होंगे, हिंदुस्तान बॉलीवुड की कोई मूवी आती होगी तो सबसे पहले आप ही देखने जाते होंगे। इधर आए, मुझे सब पता है, तो मुझे ये बताएं जो मुझे नहीं पता कि क्या वजह है उनकी। मतलब इंडिया में स्टूडेंट्स अच्छे, हमारे स्टूडेंट्स देख लें सारे, देखें ये खड़े में, किसी को कोई टेंशन नहीं पढ़ाई की, सारे यहाँ पे जहाँ पे एंटरटेनमेंट मिलती है हमारी वहां उधर को भागती है। स्टडी सिस्टम तो वैसे ही तबाह हो गया हमारा। सर एंटरटेनमेंट के लिए भी स्ट्रगल चाहिए होती है, आज उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड करी और हमारा लॉलीवुड अभी जो है ना बेचारे पापड़ बेचते फिर है ना। बॉलीवुड में और लॉलीवुड में जमीन आसमान का फर्क है। बॉलीवुड में वो खुद स्पॉन्सर करते हैं ना, हमारी आवाम तो करती नहीं। अब आप देख लें, आप आईफोन तक ही हैं, यही आपको यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करती है, एक अच्छा सा कैमरा देती तो समझ में भी आता आज आप कहाँ से कहाँ, मतलब स्टार्टिंग से कुछ नहीं मिलता हमें। सर यूनिवर्सिटी में तो मैं दो दफा वीडियोस करने पे फाइन भी भर चुकी हूँ। खैर ये हमारी यूनिवर्सिटी के इदारों के हालात। करप्शन आप अभी खुद देख लें, करप्शन हो रही है, वो फाइन किधर जाते हैं? यूनिवर्सिटी की सारा। इन्हीं सारे सिनेरियोस के साथ क्या इन फ्यूचर पाकिस्तान का ग्रोथ रेट कहीं बढ़ता हुआ, इंक्रीज करता हुआ देख रहे हैं? इंशाल्लाह, मुझे तो लग रहा है अनकरीब बढ़ेगा। इमरान खान आ गया वैसे भी, ठीक है, मैं समझ गई, बड़े कट्टर सपोर्टर है आप। सर पावरफुल कंट्री होने की मैंने बात की, तो पावरफुल कंट्री होने के लिए एक बहुत बड़ा जो है हमारे पास, क्या कहूँ, आला, वो है एटॉमिक पावर। हमारे पास एटॉमिक पावर है मगर फिर भी हम टॉप फोर में नहीं आ रहे, क्या वजह? तो खाली अब फौज पे तो नहीं ना, अब आप खाली बंदूकें पकड़ा के उनको खड़ी कर देंगे तो ऐसे तो नहीं ना होता, और भी चीजें, फसल नहीं हो रही हमारी, क्यों नहीं हो रही फसल? आप तो मेरा ख्याल गाँव से नहीं होंगे। आपको परवीन अख्तर है ना, देखे ऐसे गलत बयान नहीं। अगला नाम बोले जी, अगला नाम शबीना को सर, शबीना को सर। अच्छा या आप भाईजान इधर आए, आप इधर आए, इनको जरूर दें ये चीज जी। अच्छा ये बताएं कि ये आपका, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, ये लें, ये आपका हाथ पहले से शुरू से कटा है अभी कटा है? हाँ ऐसा हुआ था। एक्सीडेंट हुआ? क्या एक्सीडेंट हुआ? ऐसा ट्रक के नीचे आ गया था बाजू, ट्रक के नीचे। अच्छा अभी काम कमाने वाला कौन है, बच्चे कितने हैं? शायद बच्चे त्रैन है, तीन बच्चे हैं तो स्कूल जाते हैं जी, तो माता कौन है, स्कूल की फीस किधर से होती है? बस गुजारा हो जाता है, चले कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। ये ले, ये आटा भी लें। अगला अगला नाम जी, रेहाना को सर आ जाए, रेहाना को सर, रेहाना को सर आ जाए बाजी, ये ले जी, कैसी है माँ जी, ठीक ठाक है? ये ले, ये आपके लिए, ये ले। अगला नाम मुनव्वर सुल्ताना, मुनव्वर सुल्ताना बाजी, आ जाए आंटी आ जाए, ये ले जी, ये ले। ये आपका छोटा सा ईद का गिफ्ट है, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह तंदुरुस्ती दे, अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह बहुता दे, आमीन आमीन। चले इधर से चले जी, आप आ जाए जी, इधर इधर है रेहाना को सर, काट काट, ठीक है रेहाना को सर, इन्हें भी दें, इधर लाए, इधर 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 इधर, आप इधर आ जाए इधर। अच्छा इधर से अगला नाम, अगला नाम आ जाए,
आप किधर से आए हैं? इसी इलाके से हैं? गखड़ से ही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि शोहर क्या करते हैं? फोत हो गए हैं। बच्चे हैं जी? स्कूल जाते हैं? एक जाता है, छोटा जाता है, दूसरा नहीं जाता। चले कोई नहीं, उनके लिए भी हम स्कूल का भी बंदोबस्त करेंगे, ये पकड़े जी। आपने बस दुआ करनी है, अब हम यहाँ पे आ गए और करते तंदुरुस्ती। चले बहुत शुक्रिया। नसरीन बीबी, नसरीन बीबी, नसरीन बीबी, आप आज 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 क्या दवाइयाँ लेके नहीं खलोता जाता? नाम लिखवाया? मैंने पता ही नहीं कार्ड लाइन में आज आपको देते हैं जी। नसरीन जड़ी ओदी लत टूटी है जी जी, तैनू पता है बाले ना जाए। दे 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 दे, ये ले ये ले। आगे 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 आए, अगला नाम, अगला जवाद। हां हिना जवाद, हिना जवाद। ओके मैम, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में रहकर आप जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, या आपको किसी भी मुल्क का वीजा दे दिया जाए तो पाकिस्तान को छोड़कर बाहर चले जाएंगी? आजकल हमारी यानी कि हमारे मुल्क में तो जॉब से कोई हालात ही नहीं है, तो इंसान किसी के अंडर में जॉब कर सकता है। हमें अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहिए। लेकिन बिजनेस भी अगर इस्टेब्लिश कैसे करेंगे? गैस नहीं आती, बिजली नहीं आती है, तो फिर बिजनेस कैसे करेंगे? ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना कि यानी कि हमें ऐसी फैसिलिटीज दी जाए जिस वजह से हम अपना बिजनेस कर सकें। तो फैसिलिटीज हमारी हुकूमत आपस में लड़ती जा रही है, फैसिलिटीज कैसे देगी? यही तो बात है, हम आवाम क्या कर सकते हैं? वो तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना। तो बिजनेस हम लोग करेंगे, जैसे कि बाकी भी कंपनीज थी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा, वो सारी की सारी इस वक्त उठ के इंडिया और चाइना चले गए हैं। इंडिया इसलिए गई हैं क्योंकि वो चीपर है। अगर आपको इंडिया का वीज़ा दे दिया जाता है तो आप जाएंगी काम करने के लिए? नहीं, मैं अपने मुल्क में ही रहूँगी। अच्छा, आप अपने मुल्क में ही रहेंगे? वहाँ नहीं, लेकिन वो बहुत सस्ता मुल्क है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा सस्ता है। नहीं, अपना मुल्क तो अपना ही ना है, वहाँ पे 160 रुपए किलो गोश्त मिल रहा है। नहीं, फिर भी जो मर्जी का जाए, लेकिन अपना मुल्क अपना ही होता है। ये तो बात है कि अपना मुल्क अपना ही होता है। चले, इंडिया के अलावा कोई और मुल्क अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो? नहीं, फिर भी पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही कहूँगी। चले, पाकिस्तान में बिजनेस किस चीज़ का करना चाहेंगे? हमें पाकिस्तान में क्या बिजनेस करना चाहिए? ब्यूटी प्रोडक्ट्स का करेंगे किसी भी। आप कर क्या रहे हो? मैं डिप्लोमा कर रही हूँ। किस चीज़ में कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप डिप्लोमा कर रहे हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे? जी, उसके थ्रू। सही हो गया। तो मतलब कि पाकिस्तान क्या करना चाहिए पाकिस्तान को कि यहाँ पर यूथ रहे, यूथ काम करे, यूथ को अपॉर्चुनिटीज दी जाएँ और यूथ बाहर के मुल्कों में, मतलब कि बाहर के मुल्क में पढ़ के आकर पाकिस्तान वापस आएँ? ये तो यानी कि हमें जॉब दीजिए, अच्छी से अच्छी जॉब दीजिए। यहाँ पर इंसान पढ़ के भी यहाँ पर इंसान को जॉब नहीं दी जाती है। यहाँ पर यानी कि ना, जो PhD भी कर रहा है बंदा, उसको भी जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, वो सड़क पे होते हैं। यानी कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें यानी कि ना जॉब प्रोवाइड कीजिए सबसे अच्छी से अच्छी। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं सर आप? स्टडी करते हैं। मैं सी फाइनलिस्ट। क्या स्टडी करते हैं? मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ। अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। सर, मेरा सवाल ये कि आप दोनों ही स्टूडेंट्स हैं, अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करने के बाद आप क्या प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान में रहकर जॉब करना, बिजनेस स्टार्ट करना, या पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी मुल्क के वीज़े के लिए अप्लाई कर देना? ये तो पहली प्रायोरिटी होगी कि बिजनेस स्टार्ट करना, अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो फिर, और सेकंड भी होगा कि वीज़ा लग जाए किसी और कंट्री में करके पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना, पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उन्हें नौकरियां देना ताकि उनकी गुर्बत खत्म हो सके, कुछ अच्छा काम करना। ये हमारी प्रायोरिटी ये होगी, पाकिस्तानी आवाम का भला सोचें। बाहर जाना तो सेकंड प्रायोरिटी है, लास्ट ऑप्शन हमारा बाहर जाना है, लेकिन उससे पहले हमारा यही है कि पाकिस्तान में रह के कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा करें। लेकिन पाकिस्तान में जॉब करना वो मुश्किल है। पाकिस्तान में जॉब करना तो डेफिनेटली मुश्किल है, अगर बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस इतने ज़्यादा है कि बिजनेस करना भी मुश्किल है। नहीं, वो तो बंदा फिर अल्टरनेटिव ढूंढ लेता है, अगर जो बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी तो कर ही रहे हैं ना, एनर्जी क्राइसिस उन्हें तो नहीं इफेक्ट कर रहे, तो जिसने वो सारे तो स्टेबल नजर आता है, जिसने स्टार्टअप लेना उसका नहीं, वो हर पूरी स्टडी करके बंदा करता है। अगर ये थोड़ी है कि वैसे बिजनेस को स्टार्ट कर दें। ओके, तो अगर आपको प्रेफरेंस मिलती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कहते हैं कि इंडिया सबसे ज़्यादा चीपर भी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा, चले इंडिया को छोड़ें, आप श्रीलंका की बात कर लें, आप चाइना की बात कर लें, आप यूके की बात कर लें, आप अमेरिका की बात कर लें, इनमें से किसको प्रेफर करना पसंद है? कहीं ना पाक सरजमीन में भेज दें, पाक सरजमीन से निकाल कर आप बांग्लादेश को प्रेफर करेंगे। माशाल्लाह हमारे भाई है, वो हमसे ज़्यादा तरक्की भी कर गए हैं, बहुत मेहनती गाँव में, हम उन्हें प्रेफर करेंगे। बाकी ये हिंदू और पाकिस्तान की जो मेजर इंडस्ट्री है वो तो इस वक्त शिफ्ट ही बांग्लादेश हुई है, इसी वजह से शिफ्ट हो रही है ना, कि वो अच्छे लोग हैं इस वजह से हो रही है, वहाँ पे अच्छा काम चल रहा है, उनका टका तरक्की कर रहा है पाकिस्तान के मुकाबले में। अच्छा, पाकिस्तान के, आपने कहा है कि बाकी जो सारे मजहब हैं, लाइक हिंदू की बात कर लो, क्रिश्चियंस की बात कर लो, वो सारे के सारे हम उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान ने लोन लेना हो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तब उसे इसराइल याद आता है, तब उसे इंडिया याद आता है, तब इसराइल रूथ चाइल्ड एक फैमिली है इसराइल की, जहाँ से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया है कि उनको बेल आउट दी जाए। सर्च भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा कहा, आप सर्च कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ,
IMF के जो भी माहदे हो रहे हैं उनमें जो ब्लॉक लगा हुआ था वो यही था कि किसी दोस्त मुल्क से आप अपनी गारंटी लेके दें, ठीक है। और गारंटी तो पहले ग्रीस मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है ये, ग्रीस की बात, मेरी बात सुने, ग्रीस की बात करें, ग्रीस की बात चले नहीं, मैं कह रही आपने कहा ना कि IMF ने कहा है कि आप हमें जी गारंटी दे दूसरे मुल्क वाले तब हम पाकिस्तान को बेल आउट देंगे। सऊदीया ने गारंटी की बात कर दी है, ग्रीस गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्त इसराइल कब से दोस्त मुल्क है, इंडिया कब से दोस्त मुल्क है, इंडिया दोनों दोस्त इसराइल नाम का कोई मुल्क है ही नहीं करते, आप तस्लीम नहीं करते, लेकिन अच्छा बेल आउट लेने के लिए तस्लीम कर लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? बस ऑलमोस्ट वेले ही हैं। मैं भी वेला। चलें सर, मेरा आज का सवाल ये कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि किसी भी मुल्क का वीजा आपको दे दिया जाए, यहाँ आप पाकिस्तान में रहकर जॉब करना चाहेंगे या बिजनेस? पाकिस्तान में रहकर जॉब करनी चाहिए डेफिनेटली, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए ना अभी तो। लेकिन जिस तरह से जॉब्स मिल रही हैं पाकिस्तान में, आधे से ज्यादा जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, और जॉब्स भी कितने हैं, 30,000, 40,000, 10,000 ऐसी मिल रही हैं बैचलर की डिग्री पर भी, फिर क्या कहना चाहते हैं? लेकिन जॉब तो मिल जाती है, मतलब पार्ट टाइम भी तो काम कर सकते हैं ना। पार्ट टाइम कितने काम करेंगे? 2-3 काम तो कर ही लेता है बंदा। जो 30-40 हज़ार वाली है वो 8 घंटे की है, और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे कोई 30-40 हज़ार पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। मतलब जॉब कर लेंगे, बिजनेस नहीं करना? बिजनेस भी ठीक है, बिजनेस एक है जी, तो फिर भुड़क गया तो भुड़क गया, मतलब रिस्क है उसमें। हाँ, उसमें रिस्क है। ओके, तो अगर बात की जाए कि किसी भी मुल्क का वीज़ा अगर आपको दे दिया जाए, चले इंडिया की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, तो किस मुल्क का वीज़ा प्रेफर करने वाले? मैं किसी भी मुल्क का वीज़ा प्रेफर नहीं करता, मतलब मेरे अपने मुल्क जो इधर मज़े हैं वो उधर तो ही मुझे मिलेंगे ना, उधर इन सहूलियात के मुझे पैसे देने पड़ेंगे, इनकी कदर तो मुझे उधर जाकर पता चलेगी। थैंक यू सो मच पिंकल।